जबरदस्त कॉल चल रही है, तो कोशिश कर रहे हैं अपने करी। पिछली बार जब हम यहाँ पे नाइट ड्राइव करी थी तब इधर की साइड से जबरदस्त कॉल आ रही थी और कहीं टाइगर आसपास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड और मैं आपका दोस्त संतोष अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं अभी ब्लॉग जोन। तो दोस्तों इस समय हम सुंदरखाल के बड़े पनौत नाले पे, आप देख ही सकते हैं यहाँ का पूरा व्यू। और इधर की साइड कल शाम चल रही थी बहुत ही जबरदस्त कॉल और इधर की साइड एक पीकॉक भी दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये अंदर की ओर जाता हुआ। तो दोस्तों यहाँ अक्सर हमने पहले भी आपको कई बार टाइगर साइटिंग कराई है। यहाँ से एक बार हम यहाँ खड़े थे और जबरदस्त कॉल चल रही थी और टाइगर निकल के क्रॉस हुआ आगे फॉरेस्ट की चौकी की ओर। इधर की साइड है फॉरेस्ट की चौकी। तो दोस्तों यहाँ अक्सर टाइगर साइटिंग, एलिफेंट साइटिंग कई बार बहुत जबरदस्त हमने आपको वाइल्ड लाइफ साइटिंग यहाँ कराई है। तो चलते हैं यहाँ से निकल के, अभी जाएंगे हम जीरो पॉइंट पे और होने लगी है शाम। ये देखिए काफी अंधेरा सा होने लगा है, तो यहाँ से निकल के चलते हैं जीरो पॉइंट पे। इधर की साइड खड़े हैं हमारे नंद किशोर भाई, तो यहाँ से चलेंगे इनके साथ क्योंकि यहाँ पे अक्सर शाम के वक्त यहाँ के लोकल लोगों का होना बहुत जरूरी है। और पीछे की साइड है कोसी रिवर, तो चलते हैं यहाँ से निकल के आगे की। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम सुंदरखाल से कुछ आगे की ओर और ये देखिए आते आते हो गई रात। तो चलते हैं यहाँ से निकल के कुछ आगे की ओर, इन्हें आवाज दे लो। तो दोस्तों आए तो बड़ी जल्दी जल्दी में, दिन के समय थे पर आते आते इधर रात हो गई और रात के वक्त ये एरिया और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये तो आपको पता ही है ये एरिया कितना डेंजरस है ना। और हमें इस समय बड़े पनौत नाले पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ की साइड चल रहा है दिन रात जबरदस्त काम। तो हो सकता है बहुत ही जल्दी, इनका ये टारगेट है कि अगली बरसातों से पहले पहले ये पुल बन के तैयार करा, क्योंकि इस साल भी इधर की साइड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फंस चुके थे बरसात के मौसम में। पानी तो इधर ज़बरदस्त आता ही है, आपने हमारी वीडियो में देखा ही है। तो चलते हैं गाइस निकल के कुछ और आगे और शाम के वक्त इधर की साइड ज़बरदस्त कॉल भी चल रही है और आज दिन के वक्त 12:30 बजे जीरो पॉइंट पे टाइगर भी दिखाई दिया। तो चलते हैं यहाँ से जीरो पॉइंट तक। वैसे तो यही था कि दिन दिन में पहुँच जाएं क्योंकि रात के वक्त और भी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है जिसमें एनिमल साइटिंग जीरो हो जाती है। निकलते तो हैं पर दिखाई देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं यहाँ से निकल के कुछ आगे की ओर। ये देखिए इधर रोड साइड चल रहा है जबरदस्त काम। दोस्तों ये बिल्कुल घना जंगल है और इधर की साइड पे भी 2-3 दिन पहले टाइगर दिखाई दिया। ये देखिए चलते हैं यहाँ से जीरो पॉइंट पे और बाकी जो रास्ते में जंगल पड़ेगा वो आपको दिखाते। तो दोस्तों कोशिश तो यही रहती है कि दिन दिन में ब्लॉग बना लें और कई बार रात भी हो जाती है क्योंकि आज घर से निकलने में काफ़ी लेट हो गए और आते आते हो गया अंधेरा। आजकल जाड़ों के दिन हैं और एकदम ही कब शाम हो जाती है 5 बजे के बाद एकदम तेज़ी से दिन ढलता है। अभी लगभग 6 बजे हैं और 6 बजे ही इतना अंधेरा हो गया। तो चलते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या दिखाई देता है। बाकी लाइटें तो आप हमारी देख ही सकते हैं, हमने कुछ अपग्रेड करी हैं और इन लाइटों में साइटिंग और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। ये है हाथी बहुल्य क्षेत्र। इधर की साइड अक्सर एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ से एलिफेंट निकल के जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, रोड क्रॉस करके दूसरी ओर। बाकी ये घना जंगल। तो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी हैं कि टाइगर क्या एलिफेंट भी हो तो ना दिखाई दे। फिलहाल कटाई चल रही है, अभी आगे की साइड
कटते हुए ये देखिए, इधर की साइड कटाई हो चुकी है, तो धीरे धीरे ये कटाई शुरू हो चुकी है और जल्दी ये जंगलों की कटाई का काम पूरा हो जाएगा। और दोस्तों जैसी शाम हुई तभी एकदम अंधेरा भी हो गया और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम जो अपनी जैकेट लेके आए थे वो हमने पहन लिए, ये देखिए इधर की साइड खड़ा है सामान डियर दोस्त, इधर की साइड सामान डियर खड़ा है। ये देख इधर की साइड खड़ा है सामान डियर, जैसे हमने थोड़ी गाड़ी मोड़ी ये देख जा रहा है अंदर जंगल की। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, तो दोस्तों चलते हैं कुछ और भी निकल के आगे। ये देखिए ऐसा घना जंगल है चारों तरफ का और हम इस घने जंगल में नाइट ड्राइव करते हैं। और अक्सर होता क्या है ऐसे में ही कई बार टाइगर और लेपर्ड का भी खतरा रहता है। ये देखिए दोस्तों रात में इधर की साइड जितना दिन में खूबसूरत जंगल लगता है रात में उतना ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और इधर की साइड आजकल जबरदस्त मूवमेंट चल रही है टाइगर की, अब तक दिखना ना दिखना आपके और हमारे नसीब पे। ये देखिए हम आ गए टिकाला के गेट पे, ये है धनगढ़ी गेट। ये देखिए धनगढ़ी गेट, और इस गेट में ही सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ साइटिंग होती है। दोस्तों यह धनगढ़ी नाला पकड़ोगे क्या? चलते हैं यहाँ से निकल के धनगढ़ी नाले से। ये देखिए रात के वक्त ये धनगढ़ी नाला बहुत ही डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये ही वो एरिया है जहाँ से जीरो पॉइंट बिल्कुल पास में ही है। ये सब जीरो पॉइंट से मिला हुआ एरिया है, बस यहाँ पे डाउन साइड है और उधर की साइड अप साइड है। अब क्रॉस करते हैं ये रिवर, और बरसातों में तो आपने देखा ही है कितनी ज़्यादा ये रिवर तेज चलती है। इस हाँ ऐसा चल रहा है यहाँ पे काम। तो दोस्तों जंगल तो आप देख ही सकते हैं, हम आ चुके हैं कुछ जीरो पॉइंट के काफी करीब। और पिछली बार जब हम यहाँ पे नाइट ड्राइव करी थी तब इधर की साइड से जबरदस्त कॉल आ रही थी और कहीं टाइगर आसपास था। तो आपने तो हमारे नाइट ब्लॉग देखे ही है कि कितने खतरनाक एरिया में हम करते हैं नाइट ड्राइव, वो भी अपनी बाइक से।
ये देख, ये पूरा एरिया टाइगर का इलाका है और यहाँ कहीं से भी टाइगर और एलिफेंट की मूवमेंट जबरदस्त रहती है दोस्तों, एलिफेंट की मूवमेंट भी जबरदस्त रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ये देखो, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, ये कॉरिडोर मार्ग में वाहन रोकना मना है। तो दोस्तों इधर की साइड कभी ना रोकें, क्योंकि ये पूरा घना जंगल है, तो इस घने पैच में इधर अंदर की साइड सब में वाइल्ड लाइफ छुपी बैठी, अब दिखना ना दिखना तो हमारे और आपके नसीब पर डिपेंड। यहाँ कहीं भी आपको टाइगर भी दिखाई दे सकता है। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ही डेंजरस है। दोस्तों अब भी हमारी लाइटें थोड़ी अपडेट नहीं है, अभी और ज़्यादा अपडेट करेंगे, फिर देखते हैं ठीक क्या दिखाई देगा। तो जल्दी पहुंचने वाले हैं हम 0 पॉइंट पे। ये सामने की साइड आने वाला है 0 पॉइंट। दोस्तों दिन में जंगल जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। और ये सब 0 पॉइंट का एरिया, ये देखिए, ये देखिए, रुकते हैं 0 पॉइंट पे। तेरी माँ। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रात में इधर 0 पॉइंट पे, और ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी ख़तरनाक भी है। और पीछे की साइड जो चुकुम विलेज जहाँ लाइट जल रही है वो है चुकुम विलेज, और ये सारा जो एरिया है रात में ये है मोहान विलेज। तो दोस्तों इधर की साइड सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त टाइगर साइटिंग रहती है, और ऊपर की साइड जो दिखाई दे रहा है ये है बोनखार, जहाँ हमने आपको पिछला ब्लॉक दिखाया था। तो दोस्तों ये सब एरिया काफ़ी डेंजरस भी है, और ये पीछे की साइड का घना जंगल तो आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, और इस जंगल में टाइगर और लेपर्ड की ज़बरदस्त मूवमेंट रहती है, और इधर की साइड एलिफेंट की भी काफ़ी ज़्यादा दस्तक रहती है। दोस्तों अभी हम खड़े हैं 0 पॉइंट पे, और इधर की साइड से नीचे ज़बरदस्त कॉल चल रही है, तो कोशिश कर रहे हैं अपने इस अल्ट्रा से वॉइस रिकॉर्ड करने की। देखते हैं, यहाँ पे रुकते हैं कुछ देर और कोशिश करते हैं कि जो कॉल हो रही है उसे रिकॉर्ड कर पाए। इधर सामने की साइड से कॉल आ रही है। ये आप सुन पा रहे होंगे थोड़ी बहुत, काफी दूर से हो रही है, ये मोहान विलेज की साइड से हो रही है, ये जहाँ सामने की साइड लाइटें जल रही हैं इधर की साइड। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी जंगल की सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।